कब तक कोई बच्चा बच्चा बन के रहेगा और कब तक आप औरों की तरह भीड़ चाल चलते रहोगे। जब कोई 8 साल का बच्चा 1 साल में इंटरनेट से 200 करोड़ रुपए कमा सकता है तो फिर आप या फिर आपका बच्चा क्यों नहीं। ये वो जमाना नहीं है जब घर के बड़े लोग काम पर जाते थे और घर के छोटे बच्चे घर पर रहकर सिर्फ गेम्स खेलते थे, मोबाइल फोन चलाते थे, उसके अंदर गाने सुनते थे, वीडियो देखते थे, फिर टाइम पास करने का कोई ना कोई नया बहाना ढूंढते रहते थे। ये वो जमाना है जहाँ पर पिछले 1 साल के अंदर 2020 में एक 8 साल के लड़के ने सिर्फ इंटरनेट से 200 करोड़ रुपये कमाए हैं और ना केवल वो पैसे कमा रहे हैं बकायदा अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर वो बच्चा इंटरनेट से पैसे कमा सकता है और पढ़ाई भी कर सकता है तो फिर आप या फिर आपका बच्चा क्यों नहीं। अगर आप एक बच्चे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बिकॉज ये वीडियो आपके बच्चे के लिए काफ़ी कामगार साबित हो सकता है, उसका फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। नॉर्मली घर के अंदर बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन तो सबके पास अवेलेबल हो ही जाता है, वो सिंपली गेम्स खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, कोई काम नहीं करते, जिनसे ना ही तो उनके फ्यूचर में कोई हेल्प होने वाली है और अपना टाइम भी खराब कर रहे हैं कुछ गलत जगह पर। कितना अच्छा होगा ना कि वो यही गेम्स खेले, वो यही वीडियोस देखे और अपने अंदर कोई नई स्किल डेवलप करके इंटरनेट से पैसा भी कमाना स्टार्ट कर दे, जिस काम को करके उनको खुद से मजा आए। तो ना ही तो वो आज का अपना टाइम खराब करेंगे और ना ही अपने फ्यूचर को बर्बाद करेंगे और साथ ही में कुछ नया सीखने के साथ साथ पैसे भी कमा पाएंगे, तो कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने में जितनी ज़्यादा आसान लग रही है ना, इनको समझना और अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है। तो एक मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले आप उस काम को बंद कर दीजिए और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप वो काम बंद नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए, जब वो काम पूरा हो जाए तब आप इस वीडियो को देख लेना। बिकॉज इस वीडियो में मैं ना केवल आपको काम बताने वाला हूँ, मतलब कि आपकी मंजिल बताने वाला हूँ, साथ ही में उस मंजिल तक पहुँचने के रास्ते भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इन सभी प्लेटफॉर्म के अंदर से किसी एक प्लेटफॉर्म पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मैं 100% उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। और पहली बार आप हमें देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेना, बिकॉज यू नो ना वी प्रोवाइड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले मेथड की तरफ। जी हाँ, YouTube चैनल, यही वो मेथड है जिसके थ्रू रियान काजी ने 1 साल के अंदर 200 करोड़ रुपए कमाए हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाकर। उसने सिंपली क्या किया, अपनी वीडियोस बनाई मोबाइल फ़ोन से या फिर DSLR से। आप स्टार्टिंग कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आजकल हर एक बच्चे के पास होता है। सिर्फ वीडियोस बनाई और किसकी वीडियो बनाई, उसके पास जो खिलौने थे, खिलौने नए मंगाए, उनको तोड़ा फोड़ा, उनकी रिव्यू किए और उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी। और उसके जैसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको खिलौनों की वीडियो देखना पसंद थी, उन्होंने जैसे ही वीडियो देखी उसकी वीडियोज मोनेटाइज हो गई और उसने यूट्यूब से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप एक बच्चे हैं, आपके अंदर कोई भी स्किल हो सकती है, आप गेम अच्छा खेल लेते हैं, आप अच्छा गा लेते हैं, आप अच्छा डांस कर लेते हैं, आपके अंदर जो भी स्किल्स है, जो भी आपका पैशन, आप काम करना चाहते हैं, इन फ्यूचर जो बनना चाहते हैं, आप उसी स्किल को आपके चैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ पर आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक पेरेंट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके बच्चे का कोई तो स्किल होगा, कोई तो इंटरेस्ट होगा जिसके लिए बार बार बोलता है कि मेरे को चीज़ अच्छी लगती है, मे बी गेमिंग हो सकती है, मे बी सिंगिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसका पर्टिकुलर चैनल बना सकते हैं और उसकी वीडियोज को यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। YouTube पर वीडियो अपलोड करना, चैनल क्रिएट करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात YouTube की ये लगती है कि पैसा बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन पैसा देता बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर YouTube पर चैनल बनाना सीखना चाहते हैं, वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, पैसे कमाना सीखना चाहते हैं सिर्फ YouTube से, तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में YouTube Mastermind का लिंक मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स फ्री के अंदर अवेलेबल करवा रखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी देखना जब आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं सिर्फ वीडियो क्रिएट करके। और अगर आप YouTube पर काम करना चाहते हैं तो आपके पास 5 गैजेट होने चाहिए एक बिगनर लेवल पे, लाइक ट्राइपॉड हो गया, माइक हो गया, ग्रीन स्क्रीन हो गया, कुछ चीज़ें होती है जो आप खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, फोटोग्राफी, कैमरे के पीछे कौन है कोई नहीं देखता, लेकिन कैमरे के आगे कौन है सब देखते हैं। यहाँ पर आपका बच्चा अगर अच्छी फोटोग्राफी कर लेता है, बिकॉज फोटोग्राफी करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और सिर्फ कैप्चर करने वाला होना चाहिए, और अगर उसको टाइम मिल जाए मोबाइल के साथ स्पेंड करने का, जहाँ पर अच्छी फ़ोटोज कैप्चर कर सकता है, आसपास की जाके कहीं पर भी फोटो कैप्चर कर सकता है, और उसकी फ़ोटोज अगर बहुत अच्छी क्लिक होकर आ जाती है तो आप उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हो।
और जो ऑनलाइन फोटोज है वो बहुत ज़्यादा महंगे सेल हो सकते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जो एक फ़ोटो है वो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये तक बिक सकती है, बट आपकी जो फ़ोटो प्रोफेशनल होनी चाहिए। लेकिन आप स्टार्ट तो कर ही सकते हैं, और अगर आप अच्छी फ़ोटोज़ कैप्चर करना सीख जाते हैं तो शायद कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ मोबाइल फ़ोन से कहीं पर भी काम आ जाएगा, और यहाँ पर आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है। फोटोज़ को कैप्चर करना है, और ऑनलाइन ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप फोटो को सेल कर सकते हो। जो टॉप 5 वेबसाइट है जहाँ पर आप इमेज को सेल कर सकते हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर जाना, एक एक करके सभी वेबसाइट्स के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, और आपके जो फोटोज है वहाँ पर आप उनको सेल कर सकते हो। एकदम से सेल नहीं हो जाएंगी, धीरे धीरे होंगी, लेकिन हाँ, आप फोटोग्राफी से पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि फ़ोटो कैसे कैप्चर करें, कैसे अपलोड करें, कैसे पैसे कमाएं, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं हाउ टू अर्न मनी विद फोटोज़, इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जहाँ पर कोई भी फोटो से पैसे कमा सकता है, तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे मेथड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन सर्वे, यहाँ पर कोई बच्चा भी कर सकता है, और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्वे का मतलब ये है कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको वहाँ पर सिर्फ आंसर देना है या फिर टिक मार्क लगाना है। यहाँ से कंपनी की क्या हेल्प हो जाएगी कि उनको पता चल जाएगा कि आपके सोचना क्या है, आपके ओपिनियन क्या क्या है, और इन सब की मदद से खुद की प्रोडक्ट वो और बेटर बना लेते हैं। लेकिन अपना क्या जा रहा है, थोड़ा सा टाइम। जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं ऑनलाइन सर्वेज कर लेता हूँ, और महीने के अंदर 4-5 हज़ार रुपये इजीली कमा लेता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, 4-5 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा आप नहीं कमा पाओगे ऑनलाइन सर्वेज के अंदर, मैं पहले बता देता हूँ। बिकॉज यहाँ पर ये जितना आसान काम है उतना ही यहाँ पर पैसा कम मिलता है। यूट्यूब की तरह और फोटोग्राफी की तरह ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों रुपये कमा के दे देगा, लेकिन हाँ, आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ईजीएस्ट मेथड है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। इसको अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर मैंने 5 ऐसे लिंक दिए हैं जहाँ पर जाकर आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और आपके पास सर्वेज आनी स्टार्ट हो जाएंगी जिनको फिल करके आप पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों, जिनको नहीं पता कि फ्रीलांसर क्या होता है और छोटा बच्चा फ्रीलांसर कैसे बन सकता है, उनको मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ। फ्रीलांसर वो चीज़ होती है जो यहाँ पर और लोगों के लिए काम करता है। आपको ऑनलाइन कोई बंदा काम देगा और आप वो काम उसको ऑनलाइन के ऑनलाइन ही करके दे दोगे, और काम करने के बदले आपको पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर अब आप काम क्या करोगे, अब वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर कि आप कौन सी क्लास के अंदर पढ़ते हैं और आप कौन से स्टैंडर्ड के अंदर हैं। आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आपकी टाइपिंग अच्छी है, आप बोल अच्छा लेते हैं, आप फोटो अच्छी कैप्चर कर लेते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम अच्छा कर लेते हैं, मे बी एनीथिंग। इसको चेक करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो वेबसाइट मैं दूंगा उनके ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन सा काम ऐसा है जो आप कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर कोई भी बच्चा काम कर सकता है, बिकॉज सामने वाले को पता नहीं चलता कि मेरा काम कौन करके दे रहा है, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। और अगर आप एक छोटी एज के अंदर ही अच्छा काम कर लेते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो शायद आपका अच्छा काम चल सकता है और आप इंटरनेट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है, यहाँ पर आपके पास कॉन्टैक्ट आने में टाइम लग सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार आपने सीख लिया, काम करना सीख लिया और कॉन्टैक्ट लेके आना सीख लिया, तो फिर आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और आप इंटरनेट से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अलग अलग 5 वेबसाइट का लिंक दूंगा जो इंडिया की टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पर आपको काम मिल सकता है। आपको सिंपली वहाँ पर जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, और आपके पास जो भी स्किल्स है आप वहाँ पर मेंशन कर दोगे। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट आता है और आप उस काम को करते हो तो काम करते ही आपको पैसा दे दिया जाएगा, और यहाँ पर यूएस डॉलर के अंदर मिलता है और लोग यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। बट स्टार्टिंग के अंदर एक बच्चे के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो हाथों हाथ पैसा कमाने के बारे में मत सोचना। आराम से 3-4 महीने देना, 6 महीने देना, उसके बाद आप यहाँ पर रुक पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मेथड नंबर 5 की तरफ। ब्लॉगिंग। अभी ब्लॉगिंग क्या होता है, जब आप गूगल के ऊपर जाते हैं, जाने के बाद आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद जो पेज ओपन होके आता है उस पेज के अंदर जब भी आप किसी वेबसाइट को टच करते हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होके आ जाती है। उस वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो सारा का सारा ब्लॉग होने वाला है, आप इसको ऐसे समझिए। अब आप यहाँ पर खुद के लिए ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, फ्री के अंदर भी और पैसे के अंदर भी। स्टार्टिंग के अंदर आप फ्री के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगर, लेकिन वेबसाइट आप
आपकी शुरुआत के अंदर नहीं बनेगी, तो आप यहाँ पर आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इन सभी कामों के अंदर जिन जिन के बारे में मैंने वीडियो के अंदर बताया है। और अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पेरेंट्स की हेल्प लेनी ही होगी, बिकॉज आप खुद से एक वेबसाइट नहीं बना सकते, उसके ऊपर कॉन्टेंट अपलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट होगी उसको कस्टमाइज करने के लिए आपके पेरेंट्स की आपको हेल्प लेनी होगी। और अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ढेर सारी वीडियो बनी पड़ी है और जल्दी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ सके। वेबसाइट बनाने के बाद में आपको जो भी इंटरेस्ट है किस पर वेबसाइट बनाओगे, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसके ऊपर वेबसाइट बनाओगे। लाइक गेमिंग की न्यूज आती है, अगर आप अपडेट रहते हैं तो हाथों हाथ आप अपडेट कर दीजिए उसके ऊपर, या फिर कुछ मूवी रिव्यू का हो गया, जो कुछ भी है, मे बी एनीथिंग, बट आप जिस चीज़ से अपडेटेड रहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर आपको कभी ये नहीं बोला जाएगा कि आपकी एज कितनी है, काम करने के लिए कभी एज नहीं पूछी जाती। तो आप यहाँ पर वेबसाइट भी रन कर सकते हैं, और इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटी उम्र के अंदर वेबसाइट रन करके पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो तो आपने यहाँ तक देख ली, लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे हैं, मतलब 13 साल से छोटे हैं, तो आप इंडिया के अंदर डायरेक्ट पैसा नहीं कमा सकते, आपको इनडायरेक्टली ही पैसा कमाना पड़ेगा। मतलब कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी आईडी आपको यूज करनी पड़ेगी। अगर आप खुद की आईडी लगाओगे तो आप इंटरनेट से पैसा नहीं कमा पाओगे, आप अभी बहुत छोटे हो इंटरनेट से पैसा कमाने के लिए। तो आपको यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी आईडी को फॉलो करना होगा, और जो पांचों तरीके मैंने बताए हैं इनको खुद से अप्लाई मत करना, इनके लिए आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी ही होगी। खुद से अप्लाई करोगे तो दिक्कत आ सकती है, और मे बी आपको परमिट करें या फिर ना करें इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। लेकिन फिर भी आप इन पांचों के अंदर से किसी एक पर्टिकुलर तरीके को देखकर उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको 100% अर्निंग होनी स्टार्ट होएगी, इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है। इन पांचों के अंदर से आपने कौन सा पिक किया है वो आप कमेंट करके मेरे को बताओगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी जरूर से करोगी। और अगर पर्टिकुलर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, आने वाले टाइम में वो उसके ऊपर 100% वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।